कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा जारी किए गए बयान का भाजपा ने विरोध किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के द्वारा जनता से अपील की गई है कि कांग्रेस के आगामी मंशे को समझने की जरूरत है। वो जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष और जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो वे देशवासियों के संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने अमेरिका के कानून का हवाला देते हुए कहा है कि वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार रखती है और 45% हिस्सा उनके परिजनों को दिया जाएगा। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि मैं एक मैनिफेस्टो कांग्रेस और आईएनडी इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत, उपजाति, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और एकदम और उन्हीं के पार्टी सैम पित्रोदा का बयान है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको बराबर के हिस्से में बांटा जाएगा। मतलब बात अभी जैसा हम लोग का जो अधिकार है उस अधिकार को जो भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का मालिक अगर उसके पित्र पिता नहीं रहते हैं तो पुत्र के और उनके जो भी कानूनी लोग हैं उनके वारिस होते हैं, उनको होता है। अभी ये सीधे सीधी सरकार जा रही है कि उस संविधान को बांटते हुए तोड़ते हुए एक नया संविधान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो को जारी किया उसके बाद कांग्रेस में एक अजब किस्म का डर पैदा हो गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के मानसिक की उपज अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए यह एक स्पष्ट रूप से देश के लोगों का माइंड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के लोगों के संपत्ति, उनके मृत्यु के उपरांत उनके घर की जो संपत्ति है वो 55% सरकार ले लेगी। ऐसे संपत्ति को वो देश के लोगों में ऐसे लोगों में बांटेगी जो देश में गरीबी गुरबा के नाम पर बुला के अवैध रूप से देश के अंदर रखे गए हैं। इस प्रकार हम मानते हैं कि भारत के जो मूल निवासी है, जो भारत के वारिस है, उनके संपत्ति को कब्जा करके और